नाथ संप्रदाय का वैश्विक प्रदेश विषय पर आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में किया गया, जिसका शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नाथ पंथ सिद्ध संप्रदाय है। इस संप्रदाय के योगियों और संतों से जुड़े कई ऐसे प्रसंग है जो सभी को नाथ पंथ से जुड़ने के लिए बाध्य करते हैं। यही वजह है कि पूरी दुनिया में नाथ पंथ का विस्तार है। पाकिस्तान के पेशावर, अफगानिस्तान के काबुल और बांग्लादेश देश के ढाका को भी नाथ पंथ के योगियों ने अपनी साधना स्थली बनाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नाथ पंथ की परंपरा आदिनाथ भगवान शिव से शुरू होकर 9 नाथ और 84 सिद्धों के साथ आगे बढ़ती है। यही वजह है कि पूरी दुनिया में इस संप्रदाय के मठ, मंदिर, धूना, गुफा, खो देखने को मिल जाएंगे। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपनी परंपरा और संस्कृति को विस्मृत करके अपने लक्ष्य को नहीं हासिल कर सकता है। ऐसे व्यक्ति त्रिशंकु बनकर रह जाता है और त्रिशंकु का कोई लक्ष्य नहीं होता। समाज में व्यापक परिवर्तन के लिए उन्होंने शिक्षा केंद्रों से अपील की कि वह अपनी सभ्यता और संस्कृति से जुड़कर अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नेपाल की राजधानी काठमांडू का मूल नाम कास्ट मंडप था, या कास्ट मंडप नाम कहीं और से नहीं बल्कि गोरखनाथ मंदिर से मिला है जो कास्ट मंडप पर आधारित था। उन्होंने कहा कि काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर और पास की एक पहाड़ी के बीच बाबा गोरखनाथ का मंदिर आज भी मौजूद है। उन्होंने कहा कि बलरामपुर के देवीपाटन में जिस आदिशक्ति पीठ की स्थापना गुरु गोरखनाथ ने की थी, वहां पूजा करने के लिए योगी रत्ननाथ प्रतिदिन दान से आया जाया करते थे। आज भी चैत्र नवरात्र पर एक यात्रा दान से आती है और प्रतिपदा से लेकर चतुर्थी तक वहां नाथ अनुष्ठान होता है। पंचमी से नवमी तक वहां पात्र देवता के रूप में गोरखनाथ का अनुष्ठान होता है। इस अवसर पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष डीवी सिंह ने कहा कि सत्य एक ही है, विद्वानों ने अलग अलग व्याख्या की है, सभी में समानता है। उन्होंने कहा कि नाथ पंथ में जीवन में सात्विकता पर बहुत जोर दिया गया है। इस अवसर पर गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति राजेश सिंह ने सभी का स्वागत करते हुए संगोष्ठी के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने संगोष्ठी की स्मारिका शोध पत्र, नाथ संप्रदाय के प्रथम खंड के प्रारूप, नाथ पंथ तीर्थ भौगोलिक मानचित्रों सहित कुलपति द्वारा लिखित पुस्तकों का भी विमोचन किया। इस अवसर पर विभिन्न जनप्रतिनिधि एवं वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अग्नि हमारे आदेव हैं महाराज जी, यदि प्रज्वलन अग्निदेव का आराधन है जिन्हें साक्षी मानकर किए गए सभी कार्य खुद का प्रकाश का संकल्प भी है और अज्ञान से ज्ञान की ओर प्रस्थान का घोष भी है। अग्नि शिखाएं सतत ऊर्ध्वगामी शिखरोन्मुख हैं, इसमें प्रगति इन्हीं संकल्पों इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ विश्वविद्यालय परिवार के माननीय सदस्यगण, प्रदेश एवं स्थानीय प्रशासन के अधिकारीगण, आदरणीय संपादकगण, देवी महोत्सव संगोष्ठी के Shut up.
आदरणीय प्रोफेसर डीपी सिंह जी का अभिनंदन करते हुए आदरणीय कुलपति देवियों एवं सज्जनों, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मान श्री योगी आदित्यनाथ जी, मुख्य अतिथि यूजीसी चेयरमैन प्रोफेसर डीपी सिंह जी, कन्वेनर इस प्रोग्राम की कन्वेनर प्रोफेसर नगिता आईपीसी जी, को कन्वेनर प्रोफेसर हर्ष सिंह जी, यहाँ पे उपस्थित सेंट्रल यूनिवर्सिटी के चांसलर प्रोफेसर गौरव जानी जी, बहुत सारे वाइस चांसलर यहाँ उपस्थित हैं, सबका नाम नहीं ले पाऊँगा समय की कारण। उसके बाद सभागार में उपस्थित विभिन्न विद्यालयों के कुलपति, आचार्यगण, विश्वविद्यालय के शिक्षकगण, अधिकारीगण, जिला प्रशासन के अधिकारीगण, पधारे वशिष्ठगण, मीडियाकर्मी, विश्वविद्यालय के विद्यार्थी, देवियों, सज्जनों, जब मैंने विश्वविद्यालय ज्वाइन किया गोरखपुर में, सर्वप्रथम मैं गोरखनाथ मंदिर गया और मंदिर में वहाँ के संत महात्माओं नाथ साहित्य के अंतर्राष्ट्रीय अवदान से परिचित हुआ। मैंने दो निश्चय किया कि जल्द ही मैं एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार कराऊंगा और दूसरा नाथ संप्रदाय पर विश्वकोश का प्रकाशन किया जाएगा। ये दोनों कार्य हमने पूरे कर लिए हैं। आज नाथ पंथ के वैश्विक प्रदेय विषयक संगोष्ठी का उद्घाटन आज हो रहा है, जो स्वर्ण वशिष्ठ और महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक के माननीय कुलपति प्रोफेसर श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी जी, हमारे बीच में उपस्थित प्रोफेसर राजेंद्र सिंह लज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज के माननीय कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार सिंह जी, अन्य उपस्थित कुलपतिगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण, हमारे आध्यात्मिक विभूतिजन और इस समय हमारे बीच में उपस्थित डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय सागर के माननीय कुलाधिपति प्रोफेसर बलवंत जानी जी, अन्य सभी विद्युतजन प्रतिभागीगण और देश विदेश से इसमें भाग ले ऑनलाइन और ऑफलाइन सभी विद्वान देवियों, सज्जनों, पत्रकार बंधुओं, आप सभी का इस अपनी तरह की अनूठी अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। माननीय कुलपति जी ने अभी एक विस्तृत आख्या आपके सामने रखी है। प्रोफेसर राजेश सिंह ने मेरे साथ BHU में कार्य किया है, मैं उनकी क्षमताओं से, मैं उनके कौशल से और मैं उनकी जो कार्य करने की गति है उससे परिचित हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि जो कुछ उन्होंने प्रतिवेदन अभी प्रस्तुत किया है पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से वह सभी फलीभूत होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। साथ ही कहा गया है विषय जो संगोष्ठी का है उस पर तो पूरी तरह से अधिकार श्रद्धेय महाराज जी का है और उनको ही हम सभी सुनना चाहेंगे, लेकिन मैं बहुत संक्षिप्त में कुछ बातें आपसे कहना चाहता हूँ। ये है कि कहा गया है एकदम सत्य विप्रा बहुधा बदलती, सत्य एक ही है, ब्रह्म एक ही है, विद्वान अलग अलग ढंग से इसकी व्याख्या करते हैं। जब मैं आज की गोष्ठी से संबंधित साहित्य को देख रहा था, पढ़ रहा था, तो मैंने पाया कि कितनी समानता है, कितनी समानता है महापुरुषों के चिंतन में, हमारे जो अवतारी पुरुष रहे हैं उनके चिंतन में, हमारे जो पुरोधा रहे हैं, हमारे जो समाज सुधारक रहे हैं, हमारे जो शिक्षाविद रहे हैं, हमारे जो पूर्वज रहे हैं, सबने अलग अलग तरीके से, अपने अपने तरीके से, अलग अलग शब्दों में जो बातें कही हैं उनका यदि सार रूप में देखें तो काफ़ी समानताएं हमको मिलती हैं। मैं याद कर रहा था महात्मा गांधी जी को जब शिक्षा के उद्देश्य की बात करते थे तो वो कहते थे कि बच्चे के तन मन और आत्मा में निहित सर्वोत्तम तत्व का प्रशिक्षण ही शिक्षा का ध्येय है।
स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सकें, मनुष्य बन सकें, चरित्र गठन कर सकें और विचारों का सामंजस्य कर सकें, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। हाँ, नाथपंथ के द्वारा नाथपंथ ने जीवन में सात्विकता और संयम पर बहुत जोर दिया है, क्योंकि इससे मानव का स्वभाव और चरित्र का निर्माण होता है। महायोगी गोरखनाथ जी के अनुसार मन ही योगी है और शरीर ही मठ है। जब शिक्षा संस्थानों की और शिक्षा की बात आती थी तो मुझे याद आता है कि हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय PHU के संस्थापक ने 1905 में जब विश्वविद्यालय बनने जा रहा था तो उसकी प्रस्तावना में कुछ कहा था, मैं उसे आज दोहराना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि आज जब हमारे सामने राष्ट्रीय शिक्षा नीति है और एक बड़ा लक्ष्य है उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, आप विजन देखेंगे, दृष्टि देखेंगे, जो कहती है कि भारतीय जड़ों से जुड़े रहते हुए हमें अपने विद्यार्थियों को वैश्विक नागरिक के रूप में विकसित करना चाहिए, टू डेवलप ग्लोबल सिटीजन। इस अवसर पर जो हमारे शोध पत्र हमें प्राप्त हुए हैं उनकी एक सारांश पुस्तिका और पुनः भाषाओं में प्रकाशित होगा, और जिसके प्रकाशन में नेशनल ट्रस्ट तथा सुप्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय संस्था मैकमिलन इंटरनेशनल द्वारा रुचि प्रदर्शित की गई है। नाथ संप्रदाय का विश्वकोश भौगोलिक मानचित्रण किया गया है, और आपको बताते चले कि श्रृंखला की अगली कड़ी विश्व भर के केंद्रों पर एकाग्र होगी, इसे भी हम 7 भाषाओं में प्रकाशित करने जा रहे हैं। हमारे माननीय कुलपति हैं, देश के ख्यातिनाम कृषि वैज्ञानिक के रूप में उनकी यह पुस्तक प्लांट मॉलिकुलर फॉर्मिंग शीर्षक से है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन संस्थान दल कैनेडा ने प्रकाशित किया है। दूसरी पुस्तक जिसमें हम 100 विद्यार्थियों को सम्मान ग्रहण करें, इधर देखिएगा। इस दृष्टि से इस प्रकार की संगोष्ठी आज की आवश्यकता है, और इसलिए हम सब ने प्रयास किया है कि हर एक विश्वविद्यालय जहां पर भी स्थित है वह विश्वविद्यालय उसके आसपास से जुड़े हुए वहां की परंपरा, वहां की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और उन ऐतिहासिक पक्षों को अपने साथ जोड़ करके उसे आगे बढ़ा सके। और इसीलिए 2018 में हम लोगों ने गोरखपुर विश्वविद्यालय को महायोगी गोरखनाथ शोधपीठ स्वीकृत की थी, और इस विश्वास के साथ शोधपीठ की स्थापना दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में स्थापित की गई कि नाथपंथ का सर्वोच्च केंद्र गोरखपुर होने के नाते गोरखपुर विश्वविद्यालय आज की वर्तमान पीढ़ी को और भावी पीढ़ी के सामने भारत के इस आध्यात्मिक और दार्शनिक पक्ष को भी प्रस्तुत करने में अपना योगदान दे सके। अलग अलग विश्वविद्यालयों को इस प्रकार के अलग अलग कार्य दिए गए हैं। मुझे प्रसन्नता है कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने इस दिशा में प्रयास प्रारंभ किया है, जिसमें आज इनसाइक्लोपीडिया और नाथपंथ से संबंधित उसके प्रथम संस्करण का एक सार
भी यहाँ पर विमोचित हुआ है। इसके लिए मैं विश्वविद्यालय परिवार को हृदय से बधाई देता हूँ और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूँ। याद रखना कि कोई भी व्यक्ति हो या समाज या संस्था, वो अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति और अपने इतिहास को विस्मृत करके कभी किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। अपने परंपरा और अपनी संस्कृति की विरासत को, समृद्ध विरासत को विस्मृत करके कोई व्यक्ति त्रिशंकों की तरह झूल तो सकता है, लेकिन याद रखना त्रिशंकों का कोई लक्ष्य नहीं होता है। और हमारे शिक्षा के केंद्र, खासतौर पर विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण केंद्र अगर त्रिशंकु बनकर के झूलते हुए दिखाई देंगे तो वह न तो लोक कल्याण के पक्ष को ही आगे बढ़ा पाएंगे और न ही समाज और व्यक्ति के जीवन में कोई व्यापक परिवर्तन करने में ही सफल हो पाएंगे। और इसलिए इस प्रकार की संगोष्ठी को, ज्ञान के आदान प्रदान की इस परंपरा को आगे बढ़ाने का जो कार्य प्रारंभ हुआ है, यह एक अच्छा प्रयास है। और मुझे इस बात पर प्रसन्नता है कि विश्वविद्यालय ने अभी कोरोना कालखंड में पिछले दिनों पूर्वांचल के विकास से संबंधित एक 3 दिवसीय संगोष्ठी यहां पर आयोजित की थी। काफी वह गोष्ठी सार्थक रही। राज्य सरकार ने उससे संबंधित अलग अलग कमेटियों का गठन करके मंत्रिमंडल समूह भी गठित किए हैं जो उन सभी विषयों को लेकर के विकास के कार्यों को पूर्वांचल के अलग अलग जनपदों में कैसे उसे क्रियान्वित करना है, इसको लेकर के वह कार्य भी प्रारंभ किया है। और आज ये 3 दिवसीय संगोष्ठी नाथ पंथ के वैश्विक प्रदेय को लेकर के आज यहाँ पर प्रारंभ हो रही है। मुझे विश्वास है कि यह संगोष्ठी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेगी। मैं जब नाथ पंथ की बात करता हूं तो वास्तव में सिद्ध संप्रदाय है। नाथ पंथ से जुड़े हुए योगियों, सिद्धों से जुड़ी हुई कुछ बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो हम सबको इस परंपरा के साथ जोड़ने के लिए बाध्य करती थी। मैं आपको 2 घटनाओं का भी, जो हाल ही में घटित हुई घटनाएं हैं, उनका यहाँ पे उल्लेख करना चाहूंगा। अभी पिछले सप्ताह की घटना है, मेरे पास, मैं लखनऊ में था। पद्म पुरस्कार से सम्मानित राजस्थान की कलाकार, महिला कलाकार है, उसने मुझसे समय मांगा। उन्हें लखनऊ में एक संस्था के द्वारा सम्मानित किया गया था, तो उन्होंने समय मांगा। मेरे कार्यालय ने उन्हें समय दिया, वो आई मिलने के लिए। वो संपेरा समुदाय से है, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि आखिर आप लखनऊ में कैसे आए, क्या है मामला। तो उसने कहा कि देखिए, मैं संपेरा समुदाय से हूं और मैं नाथ पंथ की अनुयायी हूं। तो मैं बहुत चकता कि आखिर कैसे। उसने कहा, देखिए, मुझे इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं क्योंकि मेरी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई है, लेकिन मैं राजस्थान की एक विधा है, कला की एक विधा के साथ जुड़ी हुई हूं और उसको वैश्विक मंच पर मैं लेकर के गई हूं। अब तक 165 देशों की यात्रा में कर चुकी हूं और उस विधा को पुनर्जीवित करने वाली पहली कलाकार हूं जो दुनिया के सामने इस विधा को लेकर के गई है। लेकिन मेरे सामने समस्या क्या थी कि हमारा जो संपेरा समुदाय है, वहां पर कन्या पैदा होती उसको दफना दिया जाता था। तो मुझे भी जैसे ही मैं पैदा हुई तो मेरे माँ बाप ने मुझे दफना दिया। तब मेरी मौसी को पता लगा तो मुझे खोद करके लेके आई और उसने पालना शुरू किया। जीवन खाना बदोश होने के नाते
मुझे भी अपने समुदाय के साथ ही घूमना फिरना पड़ता था, लेकिन मेरे मन में बात आती थी कि जो मेरे समुदाय के लोग गाते हैं, जो नृत्य करते हैं, इसके पीछे कोई बात तो होगी। तो मैंने उस पर अपने ओर से कार्य करना प्रारंभ किया। फिर मैं उसकी तह में गई, ये कहां से आया? देखिए, वो अनपढ़ है, कोई औपचारिक शिक्षा उसकी नहीं हुई, स्कूली शिक्षा नहीं हुई। आप जानते होंगे कि ये सभी ऐसी जातियां हैं जो घुमंतू जातियां हैं, उन्हीं में से आती है। और तब मेरे मन में आया कि मेरा तो जन्म नाग पंथ से जुड़े हुए एक पंथ से है। और फिर मैंने इस विधा को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया, इसको समृद्ध किया, इसको एक मंच दिया। शुरू में मेरा बहुत विरोध हुआ, और आज जब देश मुझे भारत सरकार ने पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया और दुनिया ने मुझे जब सम्मान देना प्रारंभ किया, तो आज राजस्थान में केवल मेरा सपेरा समुदाय ही नहीं बल्कि पूरा समाज आज मुझे सम्मान दे रहा है। मुझे इसके लिए संघर्षों से जूझना पड़ा, चुनौतियों से जूझना पड़ा, लेकिन आज समाज ने मेरे संघर्षों को मान्यता दी है। तो मैंने देखा वह नाथ संप्रदाय के कनिफा पंथ से, एक पंथ है कनिफा नाथ जी ने शुरू किया था, एक सिद्ध योगी थे कनिफा नाथ, तो कनिफा नाथ जी से वह परंपरा प्रारंभ हुई जो सपेरों का समुदाय है, और उसकी अनुयायी उसका परिवार, उस सपेरा परिवार था, उसमें वह महिला जन्म लेती है और आज भी अपनी बात को शुरू में प्रस्तुत करती है, जिसकी यानी कोई कल्पना भी नहीं करता। दूसरी घटना मेरे साथ घटित हुई, आपको याद होगा दीपावली के अवसर पर हम लोग अयोध्या जाते हैं। अयोध्या में राज्य सरकार के द्वारा विगत 5 वर्षों 4 वर्षों से दीपोत्सव का आयोजन होता है। मैं अयोध्या में था दीपावली के एक दिन पहले। मैं अचानक ब्रह्म मुहूर्त में दीपावली के दिन अयोध्या में बैठा हुआ था, तब तक अचानक मैं ध्यान में बैठा हुआ था, तब तक मेरे कानों में कुछ आवाज गूंज रही थी और आवाज ऐसी आने लग रही जैसे कोई सामने कोई बातचीत कर रहा होगा, आदित्यनाथ जी आप जो है थोड़ा हमारा भी ध्यान रख देते। अच्छा, मैं समझ नहीं पा रहा था कौन बोल रहा है। मैंने बाद में इस चीज को अनुभव किया कि कुछ दृश्य मेरे सामने आ रहे हैं, लेकिन दृश्य हिमालय के थे, तो मुझे लगा हिमालय में कोई बात जरूर हो रही है। तो मैं दीपावली के अगले, मैं उसी दिन फिर गोरखपुर आया था, गोरखपुर के कार्यक्रम के बाद दीपावली के अगले दिन मैंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी को फोन किया। मैंने कहा भी मुझे उत्तराखंड आना है एक कार्य से, और मुझे बताइए कि बद्रीनाथ और केदारनाथ के कपाट कब बंद हो रहे हैं। उन्होंने कहा केदारनाथ जी के कपाट तो कल ही बंद होने जा रहे हैं और बद्रीनाथ के कपाट 3 दिन के बाद बंद होंगे, अगर आप आना चाहेंगे तो मैं व्यवस्था कर देता हूं। मैंने कहा वेदर की स्थिति क्या है? उन्होंने कहा देखिए आज तो वेदर ठीक है, लेकिन कल के लिए खराब बताया जा रहा है, अगर आप बना सकेंगे तो अच्छा होगा कार्यक्रम, फिर हम उसके अनुसार व्यवस्था करते हैं। तो मैंने अपना कार्यक्रम बनाया, मैं देहरादून गया, देहरादून से हम लोग केदारनाथ पहुंच गए। केदारनाथ में मैं देखना चाहता था कि आखिर क्या है, मेरे पास ये आवाज कहां से आ रही थी। खैर, वहां पर जो कार्य हो रहा है, केदारनाथ के पुनरुद्धार का कार्य चल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में बहुत अच्छा काम वहां पर उत्तराखंड सरकार कर रही है, जो केदारनाथ आज से 6 वर्ष पूर्व पूरी तरह से उजड़ गया था, आज वो एक नए स्वरूप में सामने आ रहा है। मुझे वहां पर जैसे मैं केदारनाथ पहुंचा, काफी भारी बर्फबारी पड़ रही थी, उसके बाद 24 घंटे मुझे वहां रुकने पड़े। 24 घंटे के बाद फिर मैं वहां से बद्रीनाथ के लिए हम लोग निकले। बद्रीनाथ मंदिर में गए, दर्शन करने के साथ ही मुझे वहां पर ऐसे मैं मंदिर के पीछे निकला तो मुझे वो दृश्य याद आने लग गया कि मेरे सामने जो 2 दिन पहले जो दृश्य आया था यहां के ही दृश्य थे। तो मुझे तब तक वो चित्र सामने आने लग गया जो चित्र मुझे वहां देखने को मिल रहा था, मेरे सामने आ रहा था। तो मैंने कहा ये तो
ये योगी कौन है? तो मुझे वह चित्र मंदिर के एकदम ठीक पीछे रखा था, शंकराचार्य जी की मूर्ति के एकदम पीछे एक बड़ा चित्र है। तो मुझे वहां मंदिर व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों ने कहा कि ये योगी सुंदरनाथ जी है, नाथ संप्रदाय के बहुत सिद्ध योगी है। तो मैंने कहा सुंदरनाथ जी ही मुझे आह्वान कर रहे थे कि हम लोगों के बारे में भी कुछ सोचिए। और मैंने फिर वहां के जिलाधिकारी से पूछा, समझो जो जिलाधिकारी वहां पर गोरखपुर की लड़की है वो जिलाधिकारी थी, तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा यहाँ पे तो सुंदरनाथ जी की गुफा भी होगी। उसने कहा है लेकिन बर्फ गिर चुकी है, सब कुछ ढक चुका है, लेकिन मैं अगले एक दो दिन के अंदर उस स्थान को ढूंढ करके फिर आपको उसकी जानकारी देती हूँ। खैर दो दिन के बाद वहां की जिलाधिकारी ने मुझे वहां के फोटोग्राफ्स वगैरह, जो गुफा की फोटोग्राफ वगैरह सब भेजे, और भेजने के बाद ये सारी तथ्य मेरे सामने आए कि वास्तव में योगी सुंदरनाथ जी मेरा आह्वान कर रहे थे कि आकर के इस गुफा को देखो, इसका पुनरुद्धार करो। और उस समय में वहां की उस व्यवस्था को जैसे वहां कपाट खुलेंगे तो हम लोग उस व्यवस्था के साथ वहां जुड़ेंगे। एक सिद्ध संप्रदाय है, याद रखना नाथ पंथ की परंपरा, सिद्धों की परंपरा आदिनाथ भगवान शिव से प्रारंभ होती है और फिर नौ नाथ चौरासी सिद्धों को लेकर के परंपरा आगे बढ़ती है। आप तिब्बत से लेकर के सुदूर दक्षिण तक श्रीलंका तक आप चले जाइए और पूरब में जो हमारे दक्षिण पूर्व एशिया से जुड़े हुए देश हैं, यहां पर इन सभी देशों में जो बृहत्तर भारत था, वर्तमान बांग्लादेश, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, इन सभी देशों में आपको नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए मठ मंदिर धुना गुफा को ये सभी आपको देखने को मिल सकते हैं। ये परंपरा अपने आप में बहुत समृद्ध परंपरा थी, लेकिन उस समृद्ध परंपरा ने कभी भी सामाजिक विकृतियों का समर्थन नहीं किया। सामाजिक विकृतियों के खिलाफ, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाकर के हर प्रकार की उन विकृतियों और उस प्रकार की जो कुरीतियां थी जो समाज में विखंडन पैदा करती हो, भेदभाव को बढ़ाती हो, सामाजिक मान्यताओं को कमजोर करती हो, उनके खिलाफ नाथ पंथ के योगियों ने सदैव आवाज उठाई। स्वाभाविक रूप से विकृति और कुरीतियां तब जन्म लेती हैं जब व्यक्ति केवल कानों से सुनी हुई बातों पर विश्वास करता है, अनुमान पर आधारित कोई कार्य करता है, जब उसको स्वयं पे विश्वास नहीं होता है तो वह फिर कहीं से सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते भी, वह जब किसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाता है तो वह तमाम प्रकार की रूढ़िवादिता को, कुरीतियों को और इस प्रकार के आडंबरों को जन्म देता हुआ दिखाई देता है, जिसमें उसको स्वयं के अपने आवरण को बचाने की चिंता ज्यादा होती है। लेकिन नाथ पंथ का जो एक समृद्ध संप्रदाय गोरखनाथ जी के कारण आगे बढ़ा, इसने प्रत्यक्ष अनुभूति को जीवन का आधार बनाया। ये प्रत्यक्ष अनुभूति यह साधना से जुड़ा हुआ हो, ज्ञान से जुड़ा हुआ हो या फिर समाज से जुड़ी भी किसी समस्या से जुड़ा हुआ हो, अगर वह प्रत्यक्ष अनुभूति पर आधारित नहीं है तो उसको नाथ संप्रदाय के योगियों ने कभी मान्यता नहीं दी है। और यही कारण है कि झोपड़ी से लेकर के राजमहल तक इस संप्रदाय का दखल आदिकाल से निरंतर रहा है और वह परंपरा उसी समृद्ध भाव के साथ आगे बढ़ती गई। आज भी मैं देखता हूं
आप नेपाल में आज भी चले जाइए, नेपाल के राजमहल से लेकर के एक सामान्य झोपड़ी में रहने वाले इंसान तक आपको नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए चिन्ह उपलब्ध हो जाएंगे। नेपाल में काठमांडू जो नाम है, एक काष्ठ मंडप के आधार पर ही इसका नाम काठमांडू पड़ा है। काष्ठ मंडप किसी और का नहीं, गोरखनाथ जी का जो मंदिर था वो काष्ठ मंडप पर आधारित था, उस आधार पर ही नेपाल का राजधानी काठमांडू का नाम काठमांडू पड़ता है। जब आप काठमांडू में जाएंगे, पशुपतिनाथ मंदिर और जो शक्तिपीठ है, इन दोनों के बीच में जो एक छोटी सी पहाड़ी है, उसके बीच में जो मृगस्थली है, जो सिद्ध स्थली के रूप में जानी जाती है, गोरखनाथ जी की साधना स्थली के रूप में उनका मंदिर मठ आज भी वहां पर स्थित है। आप नेपाल में अन्य तमाम स्थलों पर जाएंगे, दान में आएंगे, सातवीं शताब्दी में गोरखनाथ जी के शिष्य हुए रत्न परीक्षित, ये वहां के राजकुमार के बाद में रतननाथ के रूप में बहुत सिद्ध योगी हुए। इतने सिद्ध योगी थे कि दान से आज का जो बलरामपुर जिला है उत्तर प्रदेश में, तुलसीपुर में देवपाटन मंदिर, वहां पे शक्ति पीठ की एक विग्रह की स्थापना महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी ने की थी और वहां पर नित्य प्रति मां की आराधना के लिए रतननाथ जी की सवारी वहां से पान से देवीपाटन आती थी, देवीपाटन से वापस आती थी। आज भी एक परंपरा है, चैत्र नवरात्रि में एक यात्रा आती है नेपाल से दांग से और प्रतिपदा से चतुर्थी तक, तो वहां पर मां का अनुष्ठान होता है और चतुर्थी से यानी पंचमी से लेकर के नवमी तक वहां पर पात्र देवता के रूप में गोरखनाथ जी का अनुष्ठान होता है, गोरखनाथ जी की पूजा उसके बाद वहां पर होती है। यात्रा रतननाथ जी के रूप में जो नेपाल से आए हुए योगी होते हैं उनके द्वारा उसको नेतृत्व प्रदान किया जाता है। नेपाल के अंदर अनेक ऐसे स्थल आपको मिलेंगे और भारत के अंदर भी जिस भी राज्य में आप जाएंगे उन सभी राज्यों में आपको महायोगी गुरु गोरखनाथ जी से जुड़े हुए मठ मंदिर गुफा खोद होना ये सभी देखने को मिल जाएंगे, हर एक राज्य में देखने को मिल जाएंगे, उत्तर में, दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में, महाराष्ट्र के अंदर नौनाथों की जो परंपरा है ये पूरी परंपरा तो नाथ पंथ के योगियों से ही जुड़ी हुई परंपरा है। नाथ पंथ से जुड़ी निकली हुई तमाम ऐसी अन्य उपासना विधियां हैं जो आज भी पूरी मजबूती के साथ भारत की इस आध्यात्मिक और दार्शनिक व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में अपना योगदान दे रही है। आवश्यकता इन सब पर संयोजन की एक समृद्ध परंपरा को किस रूप में हम आगे बढ़ा सकते हैं। मैंने इसीलिए यहां विश्वविद्यालय से इस बारे में कहा था कि विश्वविद्यालय को इंसाइक्लोपीडिया ऑफ नाथ पंथ के बारे में विचार करना चाहिए और मुझे प्रसन्नता है कि उसका एक सार प्रथम संस्करण के रूप में आज विश्वविद्यालय ने यहां पे लोकार्पित किया है। मैं स्वयं भी उसका अवलोकन नहीं कर पाया हूं लेकिन मैं चाहूंगा कि ये परंपरा आगे बढ़नी चाहिए। आप जाएंगे तिब्बत के साथ रागी राघव अपने साथ जो व्यापक साहित्य तिब्बत से लेकर के आए थे उसमें सिद्ध साहित्य था, विस्तृत साहित्य है। नेपाल की पूरी परंपरा, बौद्धों की जो परंपरा है वहां पे नाथ पंथ के 84 सिद्धों को उसी रूप में मान्यता दी गई है जिस रूप में नाथ पंथ ने नौनाथ 84 सिद्धों को मान्यता दी है, वही परंपरा उन्होंने वहां पर उस रूप में स्वीकारी है। आप पाकिस्तान के अंदर जाएंगे, 8-10 वर्ष की पूर्व की घटना है, गोरखपुर का एक सिख परिवार सिंगापुर में रहता है, वो अपने किसी मित्र के साथ पाकिस्तान गए। पाकिस्तान में उनके जाने का हेतु तो था कि नानक मत्था जाएंगे लेकिन वे वहां पर जब पाकिस्तान में घूम रहे थे तो उन्होंने वहां से पाकिस्तान से मुझे फोन किया, फोन कर रहे थे, मैंने फोन यहां रिसीव नहीं किया क्योंकि पाकिस्तान का नंबर था तो मैंने उसे रिसीव नहीं किया। लेकिन जब वापस वो गोरखपुर आए उन्होंने मुझसे मिलने का समय मांगा, कहा कि मैं जो है मिलना चाहता हूं, तो निकालिए मेरे पास आए। उन्होंने मुझे कहा साहब पाकिस्तान में गोरखनाथ जी का मंदिर कैसे, मैंने कहा
आपको क्या मतलब पाकिस्तान से? उन्होंने कहा नहीं, मैं पाकिस्तान गया और पेशावर के पास एक जोगियों वाला पहाड़ी पे यात्रा चल रही थी और वे सभी गोरखनाथ जी की जय जयकार कर रहे थे। उसमें सभी पंथों से जुड़े हुए लोग थे, हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सभी लोग थे। तो मैंने कहा गोरखनाथ जी की साधना स्थली पेशावर में भी है, उनका एक प्राचीन धूना मठ वहां पर आज भी मौजूद है। आप गोरखनाथ जी के जिससे से रतननाथ जी की चर्चा मैंने यहां पर की, दांग के राजकुमार थे, नेपाल में दांग एक स्टेट थी, वहां के राजकुमार थे, उनसे जुड़ी हुई एक बड़ी जो मठ हम कहते हैं, आज वह दरगाह के रूप में काबुल के अंदर स्थित है, रतननाथ की दरगाह के रूप में, और दरगाह का एक अंश दिल्ली में भी रतननाथ के दरगाह के रूप में दिल्ली में आपको देखने को मिल सकती है। यानी आप देश के अंदर जहां कहीं भी जाएंगे आपको नाथ पंथ से जुड़े हुए स्थल उस रूप में देखने को मिल सकते हैं, उन सबको हम लोग वहां पर अवलोकन कर सकते हैं। मुझे याद है गोरखपुर विश्वविद्यालय और यहां से विश्वविद्यालय से जुड़े हुए महाविद्यालयों के रक्षा अध्ययन से जुड़ा हुआ एक शैक्षणिक भ्रमण का कार्यक्रम आज से 5-7 वर्ष पूर्व यह ढाका के लिए गया था। इनको 1971 के वार मेमोरियल को वहां देखना था, उसको अवलोकन करना था। दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के रक्षा अध्ययन विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर श्री भगवान सिंह भी उस दल के साथ में थे। तो ये जब ढाका जा रहे थे तो उन्होंने मुझसे पूछा, उन्होंने कहा कि हम लोग ढाका जा रहे हैं, वहां पर क्या और देख सकते हैं? मैंने कभी देखना ढाका में ढाकेश्वरी देवी का मंदिर है, दूसरा वहां पर एक बात और देखना, नाथ संप्रदाय का जो आदि परंपरा चलती है आदिनाथ से, आदिनाथ जी का जो मंदिर है वह ढाका के पास ही है, आप लोग वहां देखने के लिए जरूर जाइएगा। आप आश्चर्य करेंगे कि जब यह दल वहां गया, वहां जाने के बाद उन्होंने मुझे वहां से फोन करके कहा, उन्होंने कहा था देखिए हम लोग यहां आए हैं और यहां पे आदिनाथ भगवान का मंदिर मौजूद है और ये मंदिर को यहां की सरकार के द्वारा संचालित किया जाता है, यह आज भी बांग्लादेश के अंदर मौजूद है। हमारे नाथ पंथ की जो अलग अलग यहां के उपपंथ हैं उनकी शाखाओं का जन्म भी अलग अलग स्थानों पर देश बृहत्तर भारत के अंदर जो आज अलग अलग देश हैं उनके अंदर अलग अलग स्थानों पर उस रूप में हुआ है और वही स्थिति बांग्लादेश के अंदर देखने को मिलती है, पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलती है, नेपाल में देखने को मिलती है, तिब्बत में देखने को मिलती है। भारत के अंदर कोई पंथ कोई प्रांत ऐसा नहीं जहां पर उससे जुड़े हुए स्थल आज भी मौजूद न हो, उससे जुड़ी हुई स्मृतियां आज भी मौजूद न हो। उसका संकलन करके हम एक बृहद आध्यात्मिक और दार्शनिक परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं, यह एक पक्ष है। इससे जुड़े हुए साहित्य आपको हर एक जगह मिलेंगे, अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाओं में मिलेंगे और इसलिए मैंने कहा था साहित्य संकलन का कार्य और आज के समय में यह आसान इसलिए भी है, हम इसको जब डिजिटल फॉर्म में देंगे तो ये और भी सहज और सरल हो जाएगा। हमें उस दिशा में प्रयास प्रारंभ करना चाहिए, ये आने वाली पीढ़ी के लिए और आने वाले समय में यह भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर रखने का एक बहुत अच्छा माध्यम हमारे लिए बन सकता है, इससे इस पर प्रयास प्रारंभ किए जाने की आवश्यकता है। दूसरा इसका जो व्यावहारिक पक्ष है जिसके बारे में मैं कह रहा था कि जब व्यक्ति का व्यावहारिक पक्ष नहीं होता वो सैद्धांतिक पक्ष पर सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करता है तो वह किसी न किसी रूढ़ी किसी न किसी पाखंड और किसी न किसी कुरूति की चपेट में वह परंपरा आती है और फिर वहां से विकृति जो प्रारंभ होती है वह कालांतर में लोग का समाज का व्यापक क्षति पहुंचाती है। लेकिन आज संप्रदाय हमेशा इस परंपरा से अलग हटकर के काम किया है और आज मैं इस बात को कह सकता हूं कि जो चीजें इसमें हैं, जैसे अगर आप देखेंगे
महावीर गोरखनाथ जी की गोरखवाणी को अगर आप देखेंगे उसमें उन्होंने एक बात का उल्लेख किया है, पिंड माही ब्रह्मांड समाया। यार उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि देखो अलग विषय है, अलग अलग कोई नया साधक है उसके लिए मंदिर में जाना आवश्यक है, वो मंदिर में जाएगा, एक सामान्य साधारण मंदिर में जाकर के अपनी उपासना करेगा उसके लिए आवश्यक है। लेकिन अगर कोई साधक है जो अपनी साधना की प्रकार एक उसके साथ आगे बढ़ चुका है, उसके लिए सब बाह्य चीजें बहुत मायने नहीं रखती, उसके लिए तो महत्वपूर्ण क्या है, उसके लिए अपना शरीर ही साधना का केंद्र बिंदु है, जो कुछ ब्रह्मांड में है संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कुछ उसे दिखाई देता है वह सब कुछ उसके शरीर में है। लेकिन उसके लिए उन्होंने क्या कहा, उसके लिए उन्होंने कहा कि भाई इसके लिए आपको काया शोधन पर ध्यान देना पड़ेगा, शारीरिक शुद्धि, और शारीरिक शुद्धि के बाद फिर मानसिक शुद्धि की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने क्या बात कही, उन्होंने कहा अवधू आहार तोड़ो निद्रा मोड़ो कबो न होएगा रोगी छठे क्षमा से काया पलटिवा जो को बिरला दियोगी। यानी देखिए ये जो गोरखवाणी की जो भाषा है उस भाषा का अगर आप अवलोकन करेंगे तो आप देखेंगे कि जितने भी हमारी क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द हैं ये उसमें आपको देखने को, उन शब्दों में देखने को मिल जाएंगे, और उन शब्दों का चयन किस रूप में हुआ है। कैसे उन्होंने प्रत्येक साधक के लिए इस बारे में निर्देश जारी किए कि काया की शुद्धि का क्या महत्व है, पहले आहार को नियंत्रण में रखना, आहार नियंत्रण में होगा तो निद्रा नियंत्रण में होगी, भाई आहार पे अगर नियंत्रण नहीं है तो नींद पे भी नियंत्रण नहीं होगा, और आहार नियंत्रण में है तो व्यक्ति अपने को आधी बीमारियों से तो वह स्वयं ही मुक्त हो जाता है। हमारा गलत खान पान, नियम और संयम से न रहना, यह व्यक्ति की आधी से अधिक बीमारियों की जड़ है। व्यक्ति समय पर जागे, समय पर सोए, समय पर भोजन ले, समय पर अपना जो भी हो एक संयमित दिनचर्या अगर उसकी है तो बीमारियों की आधी समस्या का समाधान तो उसने स्वयं ढूंढ लिया है। देश काल और परिस्थिति के कारण अगर कभी कोई ऐसी स्थिति आती है तो उसके लिए छठे क्षमा से काया पलटिवा, यानी जो बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जिसको हठयोग में उन्होंने खटकर्म कहा, धोती बस्ती नेती नौनी त्राटक कपाल भांति की जो क्रियाएं हैं, ये जो क्रियाएं हैं ये सारी काया शोधन की क्रियाएं हैं। शोधनम दृढ़ता चेव स्थैर्यम धैर्यम चलागमम प्रत्यक्षम निमित्तम च पटस्थम सप्त साधनम, ये सात साधन जो उन्होंने हठयोग की साधना के बताए हैं, यानी ये व्यवहारिक दृष्टि से प्रारंभिक आधार खड़ी करती हैं किसी भी उसके। मुझे एक बात बताइए कि कोई व्यक्ति काया से अगर निरोगी नहीं है, अगर उसके इस काया से वो स्वस्थ नहीं है, क्या वह किसी प्रकार की यानी वह सामान्य ज्ञान ही प्राप्त नहीं कर पाएगा, और सिद्धि प्राप्त करने की बात तो उसके लिए बहुत कठिन चुनौती है, तो उसके लिए बहुत संभव जैसी स्थिति है। तो पहले ये कार्य ही शोधन से उन्होंने कहा है, और उसके लिए किस किस प्रकार की क्रियाओं का अभ्यास एक साधक सामान्य रूप से कर सकता है, प्रारंभिक भूमिका तैयार करते हुए फिर किस रूप में। हम लोग जब देखते होंगे राजयोग की भूमिका को लेकर के हम चलते हैं, हठयोग की साधना को हमने काया की साधना से किसा के साथ जोड़ा है, लेकिन राजयोग की साधना को हमने मन की साधना के साथ जोड़ा है, मन की साधना के साथ यह मन शक्ति यह मन शिव यह मन पंच तत्व का
यानी ये सभी भाव उन्होंने किस रूप में मन की साधना मन योग मनुष्याणाम कारणम भक्त मोक्ष योग का भाव उन्होंने अपनी सत्यों के माध्यम से भी उसी रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। वैश्विक मंच आज आप देख रहे होंगे कि एक बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने योग को 21 अगस्त की तिथि को 21 जून की तिथि को विश्व योग दिवस के रूप में घोषित करवाया। पूरी दुनिया योग के पीछे आज भागती भी दिखाई दे रही है। 200 से अधिक ऐसे देश हैं जो आज के दिन पर 21 जून की तिथि को विश्व योग दिवस के रूप में मान्यता दे रहे हैं। ये योग का यह व्यावहारिक ज्ञान, योग के जितने भी आसन होंगे, योग की जितनी भी क्रियाएं होंगी, आप देखना ये किसी अन्य के नाम पर नहीं, सभी महात्मा के योगियों के नाम पर है। अगर आसन आपको देखना, गोरख आसन गोरखनाथ जी के नाम पर है, मत्स्येंद्र आसन मत्स्येंद्रनाथ जी के नाम पर है। बंधों में जो मुद्रा और बंधों की जब हम बात करते हैं तो बंध भी जालंधर बंध ये जालंधरनाथ जी के नाम पर है। यानी ये सभी संपत्ति सिद्ध योगी हैं नाथ पंथ के। ये सभी क्रियाएं, यानी ये जो क्रियात्मक योग है, योग का जो क्रियात्मक पक्ष है, व्यवहारिक पक्ष है, इसके प्रणेता भी कोई हैं तो ये आदिनाथ भगवान शिव हैं। और शिव से चली भी परंपरा महायोगी गोरखनाथ जी ने आम जनमानस में उसको ले जा करके ले जाने का काम किया। और यही कारण रहा है कि अपने समय में नाथ संप्रदाय एक ऐसे विराट और विशाल आंदोलन के रूप में था। उसके सभी पक्ष हैं। आप देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे तो उसके सभी पक्ष आपको देखने को मिलेंगे। मध्यकाल में तुलसीदास जी को कहना पड़ा कि गोरख जगायो जोगो भगति भगायो लोगो। अगर आप पश्चिम की तरफ जाएंगे तो विदेशी आक्रांताओं से वहां पर लोहा लेने का कार्य और जन जन तक चेतना जागृत करने का कार्य नाथ पंथ के योगी कर रहे हैं। आनंद मठ में वंदे मातरम के जिस गीत को आप राष्ट्र गीत के रूप में मान्यता देते हैं, उस गीत के जो सन्यासी है वो कोई और नहीं, नाथ पंथ से जुड़े हुए ये वही योगी हैं जो गांव गांव में जाकर के जाग मछंतर गोरख आया का गीत के माध्यम से जन चेतना को जागृत करने का कार्य करते रहे हैं। ये वही परंपरा है और ये वही परंपरा है जिस परंपरा के लिए संत कबीरदास जी को कहना पड़ा कि कामणी अंग मृतत भया रत भया हरि नाही साधी गोरख नाथ ज्यो अमर भये कलित नाही। ये वही परंपरा है जिसके लिए पद्मावत में मलिक मोहम्मद जायसी को कहना पड़ा बिन गुरु पंथ न पाइए भोले सोनो भेंट योगी सिद्ध होई तब जब गोरख सो भेंट। ये जो भाव हैं, ये भारत के लिए भाव हैं जो हम सबको एक साथ इस परंपरा के साथ जोड़ने और इस परंपरा के उन भावों को समाज के सामने लाने के लिए एक मंच देते हैं। और मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय को इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने महायोगी गोरखनाथ शोधपीठ के इस कार्य को इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम किया है। इनसाइक्लोपीडिया ऑफ नाथ पंथ यानी नाथ पंथ का विश्वकोश, इस दिशा में हर एक प्रकार के साहित्य को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्माण करेगा। और मैं मानता हूं बहुत बड़ा साहित्य आपको मिलेगा। आप नेपाल में जाइए, नेपाल में नेपाल जो राज परिवार है उनकी जो लाइब्रेरी है वहां पर जाकर के, या भांग में जाएंगे राजा जो रतननाथ मठ है वहां की लाइब्रेरी में आपको ढेर सारा साहित्य मिलेगा। जोधपुर नरेश की लाइब्रेरी में अगर आप जाएंगे जोधपुर में बहुत समृद्ध साहित्य नाथ पंथ से जुड़ा हुआ आपको वहां पर देखने को मिलेगा। और देश के अंदर अलग अलग भाषाओं में आप चले जाएंगे, अलग अलग में तिब्बती में नेपाली में असमी में बंगाली में उड़िया में हिंदी में, आपने यहां पे जो साहित्य रखा है ये हिंदी और एक आध पुस्तकें इंग्लिश की हैं। याद रखना
फिलोसफी ऑफ गोरखनाथ जो पुस्तक लिखी है अक्षय आचार्य अक्षय कुमार बनर्जी ने, अक्षय कुमार बनर्जी माणा प्रताप कॉलेज के प्राचार्य रहे हैं और माणा प्रताप वही कॉलेज था जो जिस पर विश्वविद्यालय की नींव खड़ी है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय माणा प्रताप कॉलेज जिसे गोरखपीठ ने 1956 में राज्य सरकार को उपलब्ध कराया था, जिसके बाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। आचार्य अक्षय कुमार बनर्जी उसके प्राचार्य थे। मेमन सिंह और कोलकाता विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे, बाद में यहाँ उसके प्राचार्य के रूप में यहाँ पर आए थे और फिलोसफी ऑफ गोरखनाथ उन्होंने लिखी थी। बांग्लादेश की पृष्ठभूमि होने के बावजूद नाथ पंथ की परंपरा के साथ किस रूप में जुड़े थे यह भाव उसके माध्यम से आपको देखने को मिल सकता है। तो बहुत इंग्लिश का साहित्य कम है लेकिन अन्य भाषाओं में आपको बहुत समृद्ध साहित्य इसमें देखने को मिलेगा। अगर ये सभी साहित्य हम एक साथ लेकर के उसको एक विश्वकोश के रूप में हम आगे बढ़ाने का कार्य कर सकेंगे, हिंदी में, इंग्लिश में, अन्य तमाम भाषाओं में इसको दे सकेंगे, तो यह एक बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है भारत की समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा को आगे बढ़ाने का एक बहुत बड़ा एक केंद्र बिंदु बन सकता है। आज के इस अवसर पर जो भी शोधार्थी जो हमारे योगी गण आए हैं, योगी शांति हमारे यहाँ से उड़ीसा से यहाँ पर आए हैं, अपने यहाँ से महाराष्ट्र से भी हमारे योगी आए हैं, अन्य हमारे संतगण आए हैं, वो सभी इस क्षेत्र में डॉक्टर अनुज प्रताप सिंह ने बहुत अच्छा काम उन्होंने इस साहित्य में पिछले कई दशकों से भी काम कर रहे हैं और भी तमाम ऐसे अध्येता हैं जो वास्तव में इस क्षेत्र में जिन्होंने अच्छा काम किया है। ये सभी लोग और यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं। मोहन सिंह जी हैं हमारे यहाँ महाराष्ट्र से भी हमारे योगी आए हैं। मुझे विश्वास है कि आपकी ये त्रिदिवसीय जो संगोष्ठी है यह संगोष्ठी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेगी और नाथ पंथ के विश्वकोश की स्थापना का कार्य समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ करके एक स्तरीय कार्य होना चाहिए। जो कुछ मटेरियल आएगा उस मटेरियल को एज इट इज हम उसमें न देकर के उसका व्यापक संपादन और शोध के बाद उसका संपादन होना चाहिए कि जो लोगों के पास जाए तो वो अच्छी चीजें सामने लेकर के आए। उस भाव के साथ हम इसको आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। एक बार फिर से मैं इस पूरे कार्यक्रम के प्रति, बल्कि इसके लिए राजा मानसिंह ने जोधपुर नरेश राजा मानसिंह थे, उन्होंने नाथ तीर्थावली एक पुस्तक लिखी थी 17वीं शताब्दी में। श्री नाथ तीर्थावली उस पुस्तक की जानकारी कहीं से लीजिए, यहाँ पर नहीं होगी तो अगर हमारे गोरखनाथ मंदिर की लाइब्रेरी में ना हो तो जोधपुर की लाइब्रेरी में इसका साहित्य आपको प्राप्त हो जाएगा। श्री नाथ तीर्थावली के बारे में कहां कहां पर नाथ पंथ से जुड़े हुए प्राचीन स्थल है, इन सब का प्राचीन स्थलों का उल्लेख आज से यानी 150 वर्ष पूर्व जितने स्थान होंगे वे सभी आपको नाथ तीर्थावली के माध्यम से देखने को मिल सकते हैं। मैं एक बार फिर से आज के इस अवसर पर इस पूरी संगोष्ठी के प्रति हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ, विश्वास व्यक्त करता हूँ कि संगोष्ठी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेगी। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, होली की मंगलमय शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। I'm going to go to the next one.